सत श्री अकाल जी सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हरीश वर्मा। सुभाग है साडा, चंगी किस्मत है, असीं ब्लैसड हाँ कि करतारपुर साहब मत्था टेकण दा सानूं मौका मिलिया। असीं इत्थे आए हाँ, असीसां लैण आए सी, इत्थे आ के जो सुकून मिलिया, जो रूह नूं आनंद मिलिया, वह असीं ही जाणदे हाँ। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है ये। इत्थे साडा जिद्दां वैलकम किया गया, सारे ही जिन्हें भी मौजूद सी सानू वेलकम करन ली, सारे ने बहुत घुट के जफ्फी पाई, बहुत प्यार। तो ये यादा ने जो बन गई, जो दिलों च हुण सारी उम्र रहनगियां। इस गुरद्वारा साहब असी जदों सानू सैफ साहब ने घुमाया, इत्थे सानू दर्शन करवाए, इतिहास बारे दस्या, असी म्यूजियम देखिया, लंगर छकिया, बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस है साडी जिंदगी दा। ये मैं गुजारिश करता एक दफ़ा जरूर जिंदगी च मौका मिले तो विजिट करो, जरूर आओ करतारपुर साहब। इत्थे आके जो सुकून मिलता है, जो अंदर मन नूं शांति मिलती है, वो इत्थे आके ही एक्सपीरियंस हो सकती है। तो असी हुणे गल करदे सी थोड़ी देर पहला, मैं ते शरण के किन्ने ब्लैसड हाँ असी कलाकार दे तौर ते इत्थे आए हाँ। सानू मौका मिलिया इत्थे आउण दा, दर्शन करन दा, लोकां नू मिलन दा, वो प्यार हासिल करन दा, जिस दी सानू हमेशा भुख रहिंदी है, वो आशीर्वाद लैण दा, जिस दी हमेशा हरेक नू ही भुख रहिंदी है, जरूरत रहिंदी है। सो यादां लैके जावांगे हुण सोहणियां खूबसूरत। एक बार फिर तो बड़ा धन्नवाद सारी प्रबंधक कमेटी दा, जिन्होंने साडा इत्थे इन्ना सही वेलकम किया, इस्तकबाल किया। शरण तुसी की कहना चाहुंदे हो? कहना तो बहुत कुछ चाहनी हाँ। सत श्री अकाल जी सारयां नूं। जदों तक इत्थे नहीं आई सी ते वो पता नहीं सी, पर जदों मैं इस धरती ते पैर पाया ना कितें बचपन तो मैं ये चीज़ नूं फील करना चाहती सी। जिदा तुसी कहा कि असी बहुत ब्लैसड हाँ बींग आर्टिस्ट कि वाहेगुरु ने सानूं ये मौका दिता, और इत्थों की खूबसूरती देख के ना एक मन नूं ना सच्ची बहुत सुकून मिलिया। मैं लंगर खाधा, मैं जदों दर्शन किए तो इदा लग्या कि हजे भी साढ़े वाहेगुरु साढ़े नाल ने, मैं सच्ची वो फील किया। तो मैं सारे अगे यही दरखास्त करूँगी कि एक बारी इस धरती पर जरूर पैर पायो, बहुत बहुत वधिया सुकून है। और इतों की मैनेजमेंट जिस तरीके नाल उन्होंने सानू एक वॉर्म वेलकम किया है, अपने आप नू बहुत ब्लैसड फील करते हैं। सत श्री अकाल। और असी इत्थे वो खूह देखिया बाबा नानक, जिस चों जदों उन्होंने खूह पुटिया सी ते पानी जिथों भर के अपने खेतों नू देंदे सी। गुरु नानक देव जी दे खेतों च जो अनाज उगदा सी, उन्हां खेतों चों उगी हुई कणक दी असी रोटी खाधी। सो इस तों ज़्यादा सुभाग, इस तों ज़्यादा चंगी किस्मत किसी की की होगी? जस कारण भाई जी, तो तुसीं किदां फील कीता? सब तो पहला वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह जी। मैं जसकरण सिंह चढ़दे पंजाब तो फिरोजपुर ज़िले तो बिलोंग करदा जी। सानू अज मौका मिलिया गुरु साहब के दर्शन करन दा। जदों असी सरहद पार कर रहे सीगे तो उत्तों मत्था टेकिया सी, उस सरहद ते भी सानू वाहेगुरु आप जी ने ऐसी कृपा की है कि आप जी के दर्शन करन दा मौका मिलिया, तो दर्शन करन दा मौका दिता। सारे असी भी टीम के नाल इत्थे पहुँचे हाँ दर्शन करन दे वास्ते, और जो सानू इत्थे सत्कार मिलिया, जो प्यार मिलिया, जो रूह नूं सुकून मिलिया, मेरे हिसाब नाल साडियां जिहड़ियां रूहां ने उह शायद अज इत्थे ही रह जाणगियां। उस जिहड़े शरीर ने तन ने साडे उह वापस जाणगे। जो प्यार इत्थे मिल रहा, अगर यही प्यार सारी दुनिया दे विच इसे तरह बरकरार हो जाए तो इस तों वड्डी होर कोई गल नहीं होएगी। और बाकी गुरु नानक देव जी ने जो सुनेहा दिता, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, वह अज वाकई इत्थे वेखन नूं मिलिया। इस तो अगे मेरे कोई शब्द नहीं कहन वास्ते, जिन्ना प्यार है शब्दों में असी बयान नहीं कर सकते। सो वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।